सहन राशि है कि वो युवक उस राशि का सदुपयोग कर सके अपनी आगामी रूपरेखा को तय करने के लिए। तो आज चौथी किस्त उन्होंने दी है और आज जो किस्त दी है लगभग जिसको मिला है वो तो खुश होंगे, जिसको नहीं मिला तो बड़े दुख हो जाएंगे। वो पात्रता जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है, 15 साल तक कुंभकर्णी नींद में सोई रही, 4.5 साल तक कुंभकर्णी नींद, सत्ता में 100% वापसी है और 75 पार होंगे इस बार। जैसा कि हम आम जनता को न बीजेपी ना कांग्रेस नहीं चाहिए, उनको तो अपनी सुविधाएं नहीं। मितानिन बहनों का बढ़ाया गया है, सी मार्ट खोला गया है, आपका आंगनबाड़ी की महिलाओं कार्यकर्ताओं को 10,000 रूपए दिए जा रहा है, सभी का हो रहा है। एक अलग से बाजार कल ही तो है कि विवेकानंद भवन में कल मोर हटरी वाले एक दिन का होता है, एक दिन का नहीं, वही तो शुरुआत है भाई। एक दिन को तो महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं इस बार उपहार, महिलाएं आज हमारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगा ये आप मान के चलिए। बहनों की बात को टाला नहीं जा सकता और बहनों के चरणों को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ। क्या जो चौथे महीने की बेरोजगारी भत्ता की राशि उन्होंने हस्तांतरित की, हमारा मकसद सब पूरा होगा कि जब हम भत्ते के साथ साथ धीरे धीरे उनको रोजगार उपलब्ध कराते जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और यू सकता हूँ। दुर्ग के कलेक्टर में यहाँ पर खड़े हुए, आप देख सकते हैं दुर्ग के लाडले विधायक कहे जाने वाले अरुण वोरा जी यहाँ पर मौजूद है। साथ में हमारे लाडले भाई साहब जिसको हम बोलते हैं महापौर जी, भाई धीरज बाकीवाल यहाँ पर मौजूद है। आइए कुछ चर्चा करते हैं कि दुर्ग कलेक्टर यहाँ पर कैसे पहुंचे। जी वोरा जी बताएंगे यहाँ पर आप लोग किस कार्य से पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि अपने कार्यकाल में उन्होंने अभी 4.5 साल के कार्यकाल में सर्वहारा वर्ग का उत्थान किया। जहाँ किसानों के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई, महिलाओं के लिए बनाई, सामाजिक संस्थाओं के लिए बनाई, वहीं युवाओं को भी प्रोत्साहित करने में उन्होंने कमी नहीं की। आज हमारे युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो या अन्य उद्योग का क्षेत्र हो, सब युवाओं ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चालू की बेरोजगारी भत्ता देने की, ये बेरोजगारी भत्ता नहीं है, ये प्रोत्साहन राशि है कि वो युवक उस राशि का सदुपयोग कर सके अपनी आगामी रूपरेखा को तय करने के लिए। तो आज चौथी किस्त उन्होंने दी है और आज जो किस्त दी है लगभग 10,904 युवाओं को, हमारे दुर्ग जिले के नौजवानों को दी है। उसमें लगभग 2,72,00,000 रुपए की राशि का आज वितरण हमारे यहाँ पे किया गया। हाँ, अभी तक 4 किस्तें दी जा चुकी है जिसमें 71,72,00,000 से अधिक राशि अभी तक पूरे प्रदेश में युवाओं को दी जा चुकी है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल युवाओं का शोषण करते रही है और बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगभग ये हर, जैसे मैंने कहा कि हर वर्ग का के विकास के लिए प्रयत्नशील है, कृत संकल्पित है, तो आज उसी कार्यक्रम में हम लोग तो जिसको मिला है वो तो खुश होंगे, जिसको नहीं मिला तो बड़े दुख हो जाएंगे। वो पात्रता के हिसाब से जो उसमें आते हैं वो सभी को मिल रहा है, किसी के साथ भेदभाव कांग्रेस पार्टी की जो अपात्र है उनको बहुत दुखी चल रहा है। नहीं नहीं, कोई दुखी नहीं चल रहा है, सब खुश है। आज देखिए खुशहाली की लहर चल रही है प्रदेश में। जी, कभी क्या लग रहा है विधानसभा को देखते हुए आने वाले समय में क्या लग रहा है? जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्णी नींद में सोई रहती है, 15 साल तक कुंभकर्णी नींद में सोई रही, 4.5 साल तक कुंभकर्णी नींद में सोई जैसे कुंभकर्ण सोते थे, और अभी जाग गई है। तो अभी जागेगी तो उसका कोई फायदा मिलेगा? आप ही बताइए। चलो अचानक जाग जाएंगे, सत्ता में 100% वापसी है और 75 पार होंगे इस बार। जैसा कि हमारा नारा है, भूपेश है तो भरोसा है, भरोसा बरकरार है और भरोसे की सरकार है। अभी जिस तरह से जो दुर्ग में जो एक जो केंद्रीय मंत्री का जो गठन हुआ है उसमें यहाँ पर बधाई की लहर चल रही है, तो माहौल बदलते हुए लोग देख रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए हर पार्टी के नेता अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रजातंत्र में मतदाता किस बात को सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और किसके राज में वो सुरक्षित रह सकते हैं,
पद तो लोग आते हैं जाते हैं, ये सब चलता रहता है, हर पार्टी अपने अपने स्तर पर कहती है, लेकिन पार्टी की विश्वसनीयता भी तो होनी चाहिए भाई, कि नहीं होनी चाहिए? कोई भी आम जनता को ना बीजेपी ना कांग्रेस नहीं चाहिए, उनको तो अपनी सुविधाएं चाहिए। और गोरा जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ। अभी बोलते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, अभी यहाँ पर लगभग पांच महिलाएं थे जिसके पास जो है दो सौ की संख्या में बहने हैं, और वो अपने राखी को पेटेंट कराने के लिए आई थी, तो उनको जो है सुविधा नहीं मिल पाता। पहले उन लोग गुलाल बनाते थे, जिसके चलते दुर्ग के इसी शहर ने बहुत तारीफें किए थे, और जो स्वयं सहायता की जो महिलाएं हैं वो पूर्ति नहीं कर पाते थे, उनका भारी पूरे छत्तीसगढ़ में उनका सम्मान हुआ था, लेकिन आज उनके पास फूल तक नहीं मिल पा रहा है, जिससे का गुलाल नहीं बना पा रहे। उनका समस्या ये है कि उनको निगम के द्वारा ये कहा जाता है कि हम क्षमा चाहते हैं, आपको गाड़ी प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो ऐसे में सशक्तिकरण कैसे होगा? सशक्तिकरण हो रहा है, आप देखिए कि हमारी जो बहनों को जो अभी जो उनका बढ़ाया गया है पारिश्रमिक, तो मितानिन बहनों का बढ़ाया गया है, सी मार्ट खोला गया है, आपका आंगनबाड़ी की महिलाओं कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये दिया जा रहा है, सभी का हो रहा है। और पांच जो हमारी दीदी आई थी होगी, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे, हमसे संपर्क करें, जिला कलेक्टर से करें, महापौर जी से करें। देखिए सर, आप जो है दुर्ग के विधायक हैं और जो स्व सहायता समूह की संख्या बहुत है, आपको तो लाडले के नाम से जाना है, तो आपको ऐसा नहीं लगता, चूंकि आपको बहुत लोग मानते हैं और स्व सहायता समूह जो है लगातार इनका जो विस्तार है बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं का एक बाजार बना दिया जाए, ताकि महिला आत्मनिर्भर की ओर चले जाए और उनको एक बाजार भी मिल जाए, जैसे मेट्रो सिटी कलकत्ता में देखने को मिलता है महिलाओं का एक अलग से बाजार? कल ही तो है कि विवेकानंद भवन में कल मोरहटरी वाले एक दिन का होता है, एक दिन का नहीं, वो वही तो शुरुआत है भाई, एक दिन को तो महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महिलाओं इस बार उपहार, महिलाएं आज हमारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, राखी में पत्रकारिता कर रही है, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता करना कितना कठिन काम है बताइए, है कि नहीं है? और पत्रकारिता कर रही है हमारी बहनें, हवाई जहाज उड़ा रही है, राजनीति क्षेत्र में आगे है, मुख्यमंत्री बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, आप देखिए इंदिरा गांधी 17 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी जी ने जो कार्य किया है उसको कभी भुलाया जा सकता है? आप भी नहीं भूल सकती, क्यों महीने लगा, आप लोग भूल सकते हो इंदिरा गांधी ने जो काम किया? इंदिरा गांधी ने विश्व नेत्री थी, आयरन लेडी के नाम से उसको जाना जाता था, और इंदिरा गांधी जी ने जो महिला आयोग का गठन किया, इंदिरा गांधी जी ने महिलाओं के लिए जो कार्य किया वो कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता, इतिहास बना के उसी इतिहास पर हम लोग चल रहे हैं। तो अभी इस बार राखी में आप बहनों को क्या देंगे, क्योंकि आप जो लाडले आपको पूरे शहर भैया बोलते हैं, तो भैया इस बार बहनों के लिए क्या विशेष करेंगे? भैया को मैं बुलाऊंगा राखी के दिन, उनसे राखी बनवाऊंगा, क्योंकि वही मेरे रक्षा करती हैं, बहनों से बड़ी रक्षा कोई नहीं कर सकता, और जिसकी रक्षा बहनें करती है और माताएं करती है, उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बहनों को हम महिला बाजार अगर मिल जाए तो ये तो इससे बड़ा उपहार दुर्ग में कभी हो नहीं सकता, बहनें जो बोलेगी वो होगा, ये आप मान के चलिए, बहनों की बात को टाला नहीं जा सकता, और बहनों के चरणों को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं जी। अभी आपने देखे कि दुर्ग का जो विधायक है अरुण बोरा जी, उन्होंने कितनी बखूबी से अपनी बातों को रखी जी। बाकरीवाल भैया जी, आप बताएंगे जिस तरह से महिला उत्थान के बारे में बात किया जा रहा है, क्या लगता है सी मार्ट जो है उन निश्चित अनुपात नहीं होता, एक या शहर के बाहर हो जा रहा है, मतलब जी रोड की तरफ से लगातार महिलाएं जो आती है बाजार में अपना व्यापार करती है, खरीदारी और निकल जाती है, सी मार्ट के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो चौथे महीने की बेरोजगारी भत्ता की राशि उन्होंने हस्तांतरित की, और हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच है सर्वहारा वर्ग के विकास के बारे में, वो जो सोचते हैं, चाहे वो हमारे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे मजदूर साथी हो, मतलब आज जो है भत्ता पर बात करेंगे। हाँ नहीं, मैं उसमें भी आ रहा हूँ, आज उन्होंने जो ट्रांसफर, उन्होंने एक बात कही अभी उद्बोधन में कि ये मैं हमारा मकसद बेरोजगारी भत्ता देना नहीं है, हमारा मकसद है कि उनको रोजगार सृजन करना, हमारा मकसद सब पूरा होगा कि जब हम भत्ते के साथ साथ धीरे धीरे उनको रोजगार उपलब्ध कराते जाएं, और आज कम से कम 1700 लोगों को रोजगार का सर्टिफिकेट भी दिया गया पूरे प्रदेश, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है युवाओं के बारे में, उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में, महिला स्व सहायता
समूह की बहनों के बारे में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास किया जाता है। आप देख लिए, पहले डी मार्ट खुलता था, अब सी मार्ट खुलता है। अभी आपको गंजपारा कॉम्प्लेक्स में भी एक सी मार्ट खुल रहा है, जनपद में भी है। लगातार महिला स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा अपने अपने उत्पाद को बेचने के लिए अलग अलग जगह सेमिनार लगाया जाता है, अलग अलग स्टॉल लगाया जाता है। और जितना अभी हो रहा है, पहले तो आपको भी ये सब सुने भी नहीं होंगे, 20 साल उन्होंने कुछ ही नहीं किया, पहले तो ये सब सुनने में भी नहीं आता। सी मार्ट मतलब क्या है? आज बाहर के लोग आके पूछते हैं छत्तीसगढ़िया मार्ट क्या है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, ये हमारे माननीय विधायक जी की सोच है। महापौर जी, जो महिलाएं को अलग अलग जगह पे अपन जगह दे रहे हैं, तो और कभी कभी एक दिन दो दिन के लिए दे देते, एक दिवसीय दो दिवसीय, तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि सारी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए ताकि वो बहुत 12 महीना एक जगह। बहुत अच्छी सोच है, इसके लिए हम लोग जरूर पहल करेंगे। आने वाले समय में इस मार्केट को खोलने का हम लोग, महिलाओं का अपना बाजार, हाँ बिल्कुल, महिलाओं का अपना एक बाजार हो, और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय में खोलेंगे भी। सर, आप लोग शहर के मुखिया, अगर आप लोग चाहे तो ये हो सकता है। मैं तो बता रहा हूँ, आने वाले समय बहुत अच्छे विचार आपने प्रकट किया, इसको हम लोग आने वाले समय पक्का महिलाओं के लिए अलग से मार्केट डेवलप करेंगे। अभी आपने दुर्गा महापौर को सुने किस तरह से महिलाओं के लिए आने वाले समय पे जो है एक स्थायी रूप से उनको बाजार, व्यापार करने के लिए बाजार का निर्माण करके दे दिया जाए, ऐसे में जो महिलाएं सशक्त हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति से वो मजबूत हो सकती है। हर खबर के लिए बने रही बीएलसी के साथ, तब तक नमस्कार।